तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों यार, आज हमारा जो मिनी डीजे है उसके साथ में हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि हम आगे अपने मिनी डीजे के साथ में क्या क्या करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यार, जो हमारी कार है वो पहले टेस्ट के लिए यहाँ पे रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे साथ पास में दो सेल है जिनको हम रिमोट में डालेंगे। उसके बाद में इसका टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्ट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल डाल दी है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम बंद करते हैं और यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब जो ये हमारे पास में कुछ ग्राम के यहाँ पे वाट है, तो इनको इसके ऊपर लोड करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो इस वजन को यहाँ पे लेके यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ये वोट रख दिया एक 200 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम को ये खींच पाती है कि नहीं खींच पाती, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो कार है वो आसानी से इस वेट को लेके चल सकती है, ठीक है। तो इस पे हम वेट बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर 100 ग्राम और रखा है। अब देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, आराम से लेके चल पा रही है, ठीक है। हम 50 ग्राम और बढ़ाते हैं, यही हमारे पास में लास्ट है। बाकी और हमारे पास में कोई यहाँ पे वोट नहीं है, तो इसलिए इतना वज़न तो ये आसानी से आप देख सकते हो कि लेके चल पा रही है, मतलब कि 350 ग्राम लेके चल सकती है। ये हमारा मिनी डीजे है, ठीक है, जो कि पुराना पड़ा था। तो इसको थोड़ा सा हम लेके आए, देखते हैं कि ये इसको लेके चल सकती है कि नहीं चल सकती है। तो सबसे पहले इसकी सफाई करते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी विट्टी है तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि ये इसको खींचती है कि नहीं खींचती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी सफ़ाई कर ली है। अभी देख सकते हो हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इसके मतलब हमारे डीजे को इसके साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि ये खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो इसको अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो डीजे है इसके तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे धागा बांध रखा है, लेकिन कार को इससे कैसे अटैच करेंगे, इसके लिए हमने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया है। तो बेसिकली ये हमारे पास में धागा है, इस धागे को इसमें यहाँ पे हम फंसा देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे छोटा सा एक होल देखने को मिलता है, तो उसके लिए हमने जुगाड़ किया है। तो यहाँ पे इसको फंसा देंगे और फिर बाद में इन दोनों धागों को जोड़ देंगे ताकि ये आसानी से अटैच हो पाए। तो यहाँ पे हमने इसमें हमारा जो धागा है वो फंसा दिया है। अब इसको यहाँ से इससे अटैच करेंगे और फिर बाद में देखते हैं कि हमारी जो कार है वो डीजे को खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो यहाँ पर हमने अपने डीजे को यहाँ पर हमने जोड़ दिया है इससे। अब देखते हैं कि ये खींच पाती है कि नहीं खींच पाती है। तो यहाँ पे हमने अपना डीजे को जो है रेडी कर दिया है। अब देखते हैं कि ये इसे अगर ये सर्वाइव कर गई तो फिर बाद में तो मतलब कि और भी एक्सट्रीम लेवल तक हम जाएंगे। तो देखते हैं। तो गाइस यार, हमारी जो कार है यहाँ पे हमें फेल होती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसके जो व्हील्स है वो यहीं पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम एक ट्राई करते हैं, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा वेट रखते हैं, क्या पता ये खींच ले। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम रखा है, देखते हैं कि खींचती है नहीं खींचती है। बिल्कुल यहाँ पे फेल हो चुकी है हमारी कार, आप देख सकते हो भाई। हमारे डीजे में काफ़ी वज़न है यार, 5 किलो से ऊपर इसमें वज़न है। तो देखते हैं एक बार और, नहीं खींच पा रही है भाई, बिल्कुल हमारी कार यहाँ पे फेल हो चुकी है। और भाई अपना पूरा दमखम लगा रही है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी हम सारे ही वाट इस पर रखते हैं, लेकिन गाई हमारी कार जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फेल हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो यार। कार का जो है बिल्कुल देख लो भाई, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 ग्राम तक ये वज़न आसानी से लेके चल सकती है भाई, लेकिन हमारा 5 किलो का जो डीजे है इसको लेके नहीं चल पाया यार। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी जो फेल होती है वो डीजे यहाँ पे जीत चुका है, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे उठ उठ के चलना स्टार्ट हो गई लेकिन नहीं खींच पा रही है यार। तो हमारी कार यहाँ पे हार चुकी है पूरी तरीके से। तो अभी इनको यहाँ पे हम वापस से खोल लेते हैं, ठीक है, दोनों को साइड में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो कार है इसको थोड़ी सी पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। तो यही इसकी पनिशमेंट है भाई, डीजे के चारों तरफ इसको चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें तो बहुत मज़ा आता है भाई साहब, इसकी स्पीड तो बहुत हाई है, लेकिन मतलब यार छोटी सी कार है तो यार इतना बड़ा वज़न लेके तो नहीं चल पाएगी ना, इसलिए भाई डीजे को तो ये इसने नहीं खींच पाए। बाकी आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम जल्दी से एक सुपर कार लेके आएंगे जो कि इसको आसानी से घसीटते हुए ले जाएंगे हमारे डीजे को, ठीक है। तो आप कमेंट करोगे तो हम ज़रूर से लेके आएंगे। बाकी हमने अब इसको पैक कर दिया है,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय।